वो रुचिता एलर्जी तो है। अच्छा देखो रुचिता, तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी एलर्जी को थोड़ा अच्छा कंट्रोल कर लूं। अब चलो जल्दी से एक स्माइल दे दो और मूर्ति का काम शुरू करते हैं। हाँ, मैं ये फूल वास में रख के आती हूँ। निहार जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? उन्हें तो इस फूल से बचपन से एलर्जी, एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते वो इसकी स्मेल। फिर वो झूठ क्यों बोल रहे हैं आखिर? इनफैक्ट वो शीशे के बारे में भी झूठ बोला उन्होंने। निहार जी तो ऐसे नहीं है, झूठ नहीं बोलते कभी। फिर आज ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने झूठ बोल? तो कितना भी बातों को क्यों ना घुमा ले, कितने भी जाल क्यों ना बुन ले, तेरे झूठ की उम्र छोटी होती जा रही है। बस एक बार रुचिता के हाथों से वो मूर्ति बन जाने दे, फिर मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे मैं उस देवी को कैद कर अपना बदला पूरा कर लूंगा। बस पूर्णिमा की रात का इंतजार है, उससे पहले ही रुचिता तेरा पर्दाफाश कर देगी। तुम्हारे निहार जी? नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मैं निहार जी से सीधे पूछ लेती हूँ ना कि उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला और क्या छुपा रहे हैं मुझसे। नहीं, उससे पहले मैं ये मूर्ति बना लेती हूँ। अभी आधी से ज्यादा बनानी है मुझे। अगर मैंने ये खत्म नहीं की तो पूर्णिमा तक पूरी नहीं हो पाएगी। फटाफट बना लेती हूँ। माता रानी, सब सही रखना, कुछ गलत मत होने देना। रुचिता, ये मूर्ति इसी जन्म में बनानी है, अगले जन्म में नहीं बनानी है। एक काम कहा था मेरे बेटे ने, वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। दुनिया भर का ज्ञान बांटती रहती हो और मूर्ति बनाने के समय बस। नहीं माँ, मैं मूर्ति बना रही थी, लेकिन देखे ना कैसे गमला अपने आप गिर गया और मूर्ति टूट गई। देखे ना माँ, ये गमला इतना भारी और हवा भी इतनी तेज नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि भगवान के काम में इतने इतने विघ्न क्यों आ रहे हैं। कैसे ठीक करूँ माँ अब मैं इसको? विघ्न तुम्हारे बहानों से हो रहे हैं। कल से देख रहा हूं तुम्हारे बहाने खत्म ही नहीं हो रहे। कभी बदबू, कभी गमला, हद होती है काम चोरी की। मियां जी, मुझे लग रही है, प्लीज हाथ छोड़िए आप। मियां जी हाथ छोड़िए। कुछ भी जानबूझकर नहीं कर रही हूँ निहार जी। ये गमला अपने आप गिरा और मूर्ति टूट गई। मैं दूसरी मूर्ति बना दूंगी निहार जी। मैं कोई काम चोरी नहीं कर रही हूँ, कोई बहाना नहीं बना रही हूँ मैं। मैं बनाती हूँ दूसरी। रुचिता, मेरी शुगर की गोलियां कहाँ रखी हैं? मिल नहीं रही हैं, आकर दे जा बेटा। आई दादी जी। मैं दवाई देकर आती हूँ दादी जी को। रुचिता, निहार बेटा क्यों गुस्सा हो रहा है? शांत हो जा। अरे उससे जाना था, चली गई।
मूर्ति बनानी है ना, मैं बनाती हूँ मूर्ति। कोशिश भी मत कीजिएगा। निहार, ये मूर्ति सिर्फ रुचिता ही बनाएगी, उसके अलावा इसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। निहार इतना गुस्सा तो कभी भी नहीं करता। खाटू श्याम जी, कहीं कुछ तो गलत है, लेकिन क्या? प्लीज कोई इशारा दीजिए भगवान, प्लीज बताइए कहां क्या गलत हो रहा है। दवा ले आई रुचिता? ला दे। क्या है रुचिता, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी दादी जी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। दूसरे रुको, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई बात नहीं दादी जी। झूठ मत बोलो, आईने की तरह साफ है तुम्हारा चेहरा, आईने की तरह साफ है तुम्हारा चेहरा, जिस पर सीधे शब्दों में लिखा है कि तुम परेशान। दादी जी मैं मूर्ति नहीं बना पा रही हूँ अभी तक, और इसलिए थोड़ी परेशान हूँ, और कोई बात नहीं है। बेटा तो परेशान मत हो, मूर्ति है बन जाएगी ना, थोड़ा शांत मन से बनाओगी ना तो जल्दी मूर्ति बन जाएगी। जी मैं पानी लेकर आती हूँ। संभाल के, ध्यान से कर, आईना टूटना नहीं चाहिए। इसे स्टोर रूम में रखते हैं, ऊपर वाली खिड़की में कल सुबह लगवाना है इसे। आईने की तरह साफ है तुम्हारा चेहरा, ध्यान से आईना टूटना नहीं चाहिए। चलो चलो चलो, ये क्या लेके आए हो? पापा वो रूम का शीशा टूट गया था तो नया लेकर। यहाँ जी मुझे ये मिरर कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं रुचिता, तुम देखो ना कितना खूबसूरत और अलग है। शीशे पे क्या लिखा है? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। बार बार मुझे आईना शब्द क्यों सुनाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे भगवान दूसरों के जरिए मुझे कुछ बताना चाह रहे।